दोस्तों आपने हाल ही में एक खबर जरूर सुनी होगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने IRCTC के साथ टाई अप करके एक कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है IRCTC बॉब रुपे क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। सो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब IRCTC, बैंक ऑफ बड़ौदा और हमारा जो खुद का पेमेंट सिस्टम है रुपे पेमेंट सिस्टम, तीनों ने आपस में टाई अप करके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है IRCTC बॉब रुपे क्रेडिट कार्ड। इसके बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले हम समझ लेते हैं इनका जो रिवार्ड पॉइंट का सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली एक रिवार्ड पॉइंट का मतलब होता है 25 पैसे, यानी कि 4 रिवार्ड पॉइंट्स का मतलब है 1 रुपये, और 4 रिवार्ड पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 IRCTC ट्रैवल पॉइंट। आपको पर स्टेटमेंट मैक्सिमम 1000 रिवार्ड पॉइंट्स ही मिल सकते हैं, यानी कि 250 IRCTC ट्रैवल पॉइंट्स, यानी कि 250 रुपये का बचत आप कर सकते हो। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किसी ग्रॉसरी में या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो पर 100 रुपीज आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि हर 100 रुपये में आप 1 रुपये बचा रहे हो। दूसरी जगह पर अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो पर 100 रुपीज आपको 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 50 पैसे का बचत आप कर रहे हो। आपको इस क्रेडिट कार्ड की मदद से हर साल 4 कंप्लीमेंटरी रेलवे लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है, और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करोगे IRCTC में टिकट बुकिंग के लिए तो हर 100 रुपीज ट्रांजेक्शन में आपको मैक्सिमम 40 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। मैक्सिमम 40 रिवार्ड पॉइंट्स, यानी कि 100 रुपये में आप 10 रुपये का बचत कर सकते हो। लेकिन ये जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं ना, ये साल भर सेम नहीं होते हैं, अलग अलग महीने में अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे, अलग अलग महीने में अगर आप टिकट बुकिंग करोगे तो वहां पर रिवार्ड पॉइंट्स अलग अलग मिलते हैं। अब वो कौन कौन से महीने में आपको कितने रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे मैं आप सभी को साइड पे ही दिखा दे रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। जब आपको ये कार्ड इश्यू हो जाएगा उसके 45 डेज के अंदर, जब आप पहली बार इससे 1000 रुपीज का या फिर उससे ज्यादा का परचेज करोगे तो आपको तुरंत 1000 रिवार्ड पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। ऐसे में अगर आप 500 रुपीज से लेकर 3000 रुपीज का फ्यूल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाएगा। आपको यहां पे फ्री एड ऑन कार्ड भी मिल जाता है। अगर आप खुद एक प्राइमरी कार्ड होल्डर हो, आप चाहते हो कि आपके घर वालों को आप ये कार्ड दो, तो आप एड ऑन कार्ड भी बनवा सकते हो। आपको 3 एड ऑन कार्ड्स मिल जाते हैं। अगर आप 2500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो उसको आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो अप टू 36 मंथ्स। आपको 36 मंथ्स का यहां पे टाइम पीरियड मिल जाता है। इस कार्ड में हमें 0 लायबिलिटी भी देखने के लिए मिलती है, यानी कि अगर आपका कार्ड कहीं पर खो गया है, कहीं पर फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसमें आपके पैसे वापस आ जाते हैं अगर आप सही से रिपोर्ट करोगे। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर 50 साल के बीच है तो आपको ये कार्ड मिल जाता है, और अगर आप सैलरी वाले हो तो आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 3.6 लाख, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए 4.8 लाख। यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, तो बेसिकली अगर आप सैलरी वाले हो तो लास्ट 3 मंथ्स का जो सैलरी स्लिप है, जो बैंक स्टेटमेंट है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको लास्ट ईयर का जो ITR रिटर्न है वो आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मतलब आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ऑफिशियली लिखा गया है, टेंटेटिवली लिखा गया है। अगर आपकी इनकम कम भी है तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर ही आप चेक कर सकते हो। मैं पहले इसकी फीस के बारे में बात कर लेता हूं। इसकी जो ज्वाइनिंग फी है वो 500 रुपए है, और इसकी जो एनुअल फी है वो 350 रुपए है। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दिया है, वहां पर आप क्लिक करना, उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपको कुछ डिटेल्स वहां पे देनी पड़ती है, जैसे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन नंबर क्या है, वो आप वहां पे डाल देना। उसके बाद आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पर ये आपसे पूछता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप सैलरी वाले हो। आप जो भी हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप सैलरी वाले हो तो आपकी ग्रॉस इनकम वहां पे डाल देना। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या फिर नहीं हो। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाता है, आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करना। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि पहले से आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर नहीं है। अगर आप पहले से कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो वहां पे आप येस पे क्लिक करना। उसके बाद वहां पे कौन सा क्रेडिट कार्ड है वो वहां पे चूज कर देना, और उसकी लिमिट क्या है वो भी वहां पे डाल देना। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती है, और उसके बाद आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है।
तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास ITR रिटर्न नहीं भी है, अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं भी है, आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या फिर अगर आप पहले से कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उस बेसिस पर भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं, आपको IRCTC बॉब रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, खासतौर पर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, अगर आप IRCTC टिकट बुकिंग करते हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसकी जो ज्वाइनिंग फी है वो 500 रुपए है और एनुअल फी है 350 रुपए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है IRCTC बैंक ऑफ बड़ौदा रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।